हनुमानताल थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या किए जाने की वारदात को दो आरोपियों ने अंजाम दिया है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि उनमें से एक आरोपी की पत्नी को मृतक भगाकर ले गया था, जिसको लेकर उनके बीच विवाद चल रहा था। हनुमानताल क्षेत्र में रहने वाले रोहन चौधरी पर लक्कू चौधरी और विठल चौधरी ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। बीती रात हुई इस घटना के बाद रोहन को इलाज के लिए विक्टोरिया लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रोहन और लक्कू की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग था और वो उसे लेकर चला गया था, जिससे लक्कू नाराज था और इसी के चलते उसने अपने साथी विठल के साथ मिलकर रोहन की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। प्रकरण जो प्राइमर फेसी जो विवाद था वो ये था कि जो रोहन चौधरी है और वो गुट्ठल और सॉरी लक्खू चौधरी की वाइफ को लेके चला गया था, और उसकी वाइफ जो अभी भी रोहन चौधरी के साथ में ही रहती थी। इसी विवाद पर कल की जो घटना हुई है उसके तहत ये घटना हुई। प्राइमर फेसी अभी दो नाम लक्खू चौधरी और गुट्ठल चौधरी, ये दो नाम निकल के आए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है।